नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज का अध्यात्म का सफर आपको लेकर चल रहा है भगवान विष्णु के दिव्य धाम की यात्रा पर। इस धाम में भी भगवान विष्णु जगन्नाथ स्वरूप में ही विराजित हैं, अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ। कहते हैं कि लगभग 300 साल पुराने इस मंदिर की स्थापना का कारण एक सपना बना था, जिसमें भाव था संसार में लोगों की भूख को शांत करने का। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। सृष्टि के संचालन के लिए भगवान ने समय समय पर 10 अवतार भी लिए। सृष्टि के नियंता होने की वजह से भगवान विष्णु को जगन्नाथ भी कहते हैं। ओडिशा के पुरी में समुद्र के किनारे भगवान जगन्नाथ विराजमान रहते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का एक दरबार पुरी से 517 किलोमीटर दूर झारखंड में भी मिलता है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ उस दरबार में श्वेत वर्णी भवन में विराजमान हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का वो दरबार 330 साल पुराना है, जहां पिछली 3 सदी से भगवान विष्णु अपने भक्तों को जगन्नाथ स्वरूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। दावा किया जाता है कि भगवान जगन्नाथ का ये दरबार सामाजिक विन्यास का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि पुरातन काल से इस मंदिर के रखरखाव और पूजा व्यवस्था के लिए समाज के अलग अलग समुदायों को जिम्मेदारी दी गई है, जिससे न केवल सामाजिक समरसता बनी रहती है बल्कि सामाजिक एकता भी मजबूत बन जाती है। भगवान जगन्नाथ का ये दरबार झारखंड की राजधानी रांची से 10 किलोमीटर दूर धरवा की एक पहाड़ी पर बसा है। धरवा का ये जगन्नाथ धाम पूरी तरह से पुरी के जगन्नाथ मंदिर की नकल लगता है, लेकिन ये धाम पुरी के जगन्नाथ धाम से थोड़ा छोटा जरूर है। भगवान जगन्नाथ का ये धाम भले ही थोड़ा छोटा है, लेकिन इस धाम की मान्यता कम नहीं है। इस धाम में भी पूजा, आराधना, भोग, रसोई, विग्रह, रथ यात्रा, सारी परंपराएं, रिवाज, प्रथाएं बिल्कुल उसी तरह होती हैं जिस तरह पुरी के जगन्नाथ धाम में निभाई जाती हैं। भगवान जगन्नाथ के इस दरबार के पास ही मौसी का बाड़ा भी बनाया गया है, जहां रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ यात्रा पर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का ये दरबार भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है। इस मंदिर के विशाल गुंबद पर लगी ध्वजा दूर से ही भगवान की आस्था को प्रमाणित करती है। सफेद रंग में रंगा ये दरबार भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हरी हरी घास के बीच सफेद रंग में चांदी की तरह चमकता दिव्य धाम, जो हर श्रद्धालु को पहली नजर में लुभा देता है। ये धाम है भगवान जगन्नाथ का, जो 100 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर के शिखर पर लहराती ध्वजा भक्ति को आमंत्रण देती नजर आती है। मंदिर के शिखर पर सिंहों की प्रतिमा दिखती है। शिखर पर चक्र और ध्वजा बताती है कि ये सिद्ध धाम कितना पावन, कितना पवित्र है। जैसे जैसे मंदिर और भक्तों के बीच की दूरी घटती जाती है, मंदिर का आकर्षण बढ़ता जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही
भगवान जगन्नाथ के मंत्र श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। सीढ़ियों से चढ़कर भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ का आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है। मंदिर के अंदर तीनों ही काष्ठ की प्रतिमाएं लौकिक होती हैं। मंदिर का इतिहास कहता है, भगवान जगन्नाथ के इस धाम को आज से लगभग 330 साल पहले 1691 में बनवाया गया था। जगन्नाथपुर की पहाड़ी पर स्थित मंदिर की स्थापना नागवंशी राजा ठाकुर अनिनाथ शाहदेव ने करवाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर 330 साल पहले पुरी से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ धरवा की इस पहाड़ी पर कैसे विराजमान हुए? तो इस सवाल के पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है। कथा कहती है कि 17वीं शताब्दी में छोटा नागपुर के इस इलाके में नागवंशी राजाओं का शासन हुआ करता था। 1691 में राजा ठाकुर अनिनाथ शाहदेव भगवान जगन्नाथ की यात्रा करने के लिए ओडिशा के पुरी गए थे। ठाकुर अनिनाथ शाहदेव का नौकर भगवान जगन्नाथ को देखते ही उनका भक्त बन गया। कहते हैं नौकर की भक्ति भाव के साथ कई दिनों तक भगवान जगन्नाथ की आराधना में रहा। आराधना के इसी तप अनुष्ठान में एक रात नौकर को बहुत जोर की भूख लगी। भूख इतनी तेज थी कि नौकर भूख से व्याकुल हो गया। राजा के नौकर ने मन ही मन अपने आराध्य भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि उसकी भूख को वो खत्म करें। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने रूप बदलकर अपनी भोग वाली थाली में नौकर को खाना खिलाया। नौकर ने पूरी आपबीती ठाकुर साहब को सुनाई। उसी रात भगवान ने ठाकुर को स्वप्न में कहा कि यहां से लौटकर मेरे विग्रह की स्थापना कर उसकी पूजा अर्चना करो। पुरी से लौटने के बाद अनिनाथ ने पुरी मंदिर की तर्ज पर रांची में मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर की नींव वैष्णववाद और इसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु ने रखी थी, जिसकी तस्दीक मंदिर में लगी संगमरमर के पत्थरों पर लिखी जानकारियां करती हैं। रांची में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कलिंग शैली की वास्तुकला के अनुसार किया गया है। बड़कागढ़ के नागवंशी राजा अनिनाथ शाहदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि अपने भक्त की चिंता से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ यहां पर भेष बदलकर प्रकट हुए थे और अपनी भोग वाली थाली से ही अपने भक्त को भोजन करवाया था। तभी से इस दरबार में हर किसी भूखे का पेट भरने की परंपरा चलती आ रही है। तीस साल पुराने भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर की स्थापत्य कला हर किसी को आकर्षित करती है। रांची में स्थित भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर का निर्माण कलिंग शैली की वास्तुकला के अनुसार किया गया है, जो हूबहू उड़ीसा के पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की तरह ही दिखता है। ये मंदिर 1691 ईस्वी का बना हुआ है। एक राजा ठाकुर अनिनाथ शाहदेव जिस मंदिर का निर्माण किए थे, जो पूरी सलाह के यहाँ मूर्ति स्थापित की, उसके बाद यहाँ प्रजाजनों के देख दर्शन करने की सुविधा हो, इसके लिए यहाँ मूर्ति स्थापित की। ये मंदिर पूरी शैली से बना हुआ है। पूरी में जो जगन्नाथपुरी है उसी के हिसाब से बना हुआ है। जो पूरी में कलाकृति भगवान का है, बाहर भी भगवान का दर्शन हुआ ऐसा बनाया गया है। बाहर सिंह का सामने चिन्ह रखा गया है कि सामने सिंह रहेगा, शेर का चिन्ह रहता है। भगवान विष्णु का भी अवतार सारे मंदिर में रहते कलाकृति है, जो पूरी शैली से बना हुआ है। सारा मंदिर निर्माण हुआ है।
हालांकि इस मंदिर का आकार पुरी के जगन्नाथ मंदिर से तुलनात्मक रूप में छोटा है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के जिन विग्रहों की पूजा की जाती है वो सभी काठ यानी लकड़ी के बने हैं। सभी देवताओं के विग्रह को नीम की लकड़ी पर उकेरा गया है। जटिल नक्काशी के साथ मंदिर का आकर्षण मन को मोह लेता है। इस मंदिर को रंगों के अनूठे मिश्रण के साथ सजाया गया है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से को एक किले के रूप में बनाया गया है। मंदिर के भीतर एक लंबा गर्भगृह है। गर्भगृह के आगे भोग गृह है जिसमें भगवान जगन्नाथ की रसोई पकती है। भगवान जगन्नाथ का भोग पूरी तरह से आज भी प्राकृतिक रूप से ही बनाया जाता है जो मिट्टी के बर्तनों में बनता है। ब्राह्मण ही भगवान जगन्नाथ की रसोई बनाते हैं। मंदिर वैष्णव पंथ से संबंधित भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मंदिर का खुलने का समय सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक है। दोपहर 12 बजे के बाद ये मंदिर 3 घंटे के लिए बंद हो जाता है। शाम को 3 बजे पुनः मंदिर खुलता है और शाम की आरती होने के बाद मंदिर 7 बजे बंद हो जाता है। रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर की पूजा अन्य हिंदू मंदिरों से काफी अलग है। यहाँ के पुजारियों को पांडा के नाम से जाना जाता है। भक्त नदी में स्नान कर सकते हैं और फिर देवता की पूजा कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत भगवान जगन्नाथ को फूल और भोजन चढ़ाने से होती है। देवताओं को दोपहर का भोजन दिया जाता है जिसे भोग के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में शाम को शयन आरती की जाती है। जो मंदिर का जो सेवा है उस सेवा से सबको एक एक जिम्मेवारी एक एक मुखिया को दी गई। जैसे आप झंडा देखते हैं तो मुंडा समाज का जो है जो मुखिया था उसका काम था झंडा मंदिर के ऊपर में देना और जगन्नाथ स्वामी का पगड़ी प्रदान करना, जो आज भी वो परंपरा है। उरांव लोग जो है उरांव लोग घंटी बजाना, तेल उपलब्ध कराना, जो अहिर और रजवार जैसे मूर्तियों को मंदिर के कई ऐसे समय आते हैं वर्ष में, रथ यात्रा के समय, स्नान यात्रा के समय, कुछ और समय आते हैं, उस समय मूल जो गर्भगृह है जो सिंहासन है जगन्नाथ स्वामी का वहाँ से उनको लाया जाता है, ले जाया जाता है। तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं कि ढोने में कम से कम 50 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो अहिर और रजवार जाति के लोगों को जोड़ा गया, कुम्हार को जिम्मेवारी दी गई कि भाई जो मिट्टी का जो बर्तन का जरूरत होगा वो कुम्हार देगा, माली तो फूल देने का काम, सब्जी उपलब्ध कराने का काम उसका काम रहा। आपका जो मुसलमान परिवार के लोग हैं ये पूरा मंदिर परिसर मंदिर गांव का देखभाल की जिम्मेवारी उनको दिया गया। इस तरह से सभी जाति के लोगों को जोड़ा गया और जोड़ करके सिर्फ जोड़ा ही नहीं गया, उनको सेवा के बदले जमीन दी गई। स्थापना के साथ ही मानवीय मूल्यों की भी स्थापना कर समाज को जोड़ने के लिए हर वर्ग के लोगों को जिम्मेदारी दी गई। उरांव परिवार को घंटी, तेल और भोग की जिम्मेदारी दी गई। मुंडा परिवार को झंडा फहराने, पगड़ी देने और वार्षिक पूजा की जिम्मेदारी। रजवार और अहिर जाति के लोगों को भगवान जगन्नाथ को मुख्य मंदिर से गर्भगृह तक ले जाने की जिम्मेदारी दी गई। बढ़ई परिवार को रंग रोगन की जिम्मेदारी दी गई। लोरा परिवार रथ की मरम्मत करते हैं। कुम्हार परिवार मिट्टी के बर्तन की व्यवस्था करते हैं। पुरी की तरह ही रांची में भी भगवान विष्णु के स्वरूप में विराजमान भगवान जगन्नाथ 330 सालों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की न केवल कामना पूर्ति कर रहे हैं बल्कि दे रहे हैं कल्याण का वरदान भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान जगन्नाथ के दरबार से निकलकर अब बढ़ते हैं धर्म सूत्र की ओर। देखिए इसमें दो कारण हैं। एक कारण है यहाँ हमारे जो सनातन व्यवस्था में दो संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय और शिव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में उनके जो गुरु हो सकते हैं या उनके जो भी हो सकते थे वो जो उस भगत के आचार्य रहे होंगे उन्होंने
इस विषय को लेकर वैष्णव समाज को एकादशी पर चावल निषेध बताया है, वो चावल नहीं खाते हैं। उसमें ये भी कहा है कि जो इस दिन पकाएगा खाएगा उसमें हजारों कीड़े के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसलिए वैष्णव संप्रदाय के लोग न चावल को छोड़ते हैं, लेकिन शिव संप्रदाय के लोग और शिव के मंदिरों में चावल एकादशी पे बनते हैं, चावल भगवान को भोग लगाया जाता है। साथ ही हम ये देखते हैं जो जगन्नाथ है वो भी वैष्णव ही हैं, भगवान कृष्ण के ये अवतार है, वहाँ 12 ही महीने उनको है तो चावल है तो चढ़ाए जाते हैं, और 11 पे विशेष होता है। कहते हैं कि जगन्नाथ के हाथ और बाटे भात, तो ये प्रथा अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से और उनके गुरुओं के संप्रदाय या किसी कारणों से ये वैष्णव संप्रदाय में छोड़ी जाती। प्रार्थना हो स्वीकार का आज का सफर यहीं खत्म होता है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे और लेकर चलेंगे आपको एक और धार्मिक स्थल की तीर्थ यात्रा पर। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।